चलो यार थोड़ा खाओ पियो, बॉडी बनाओ। ये क्या हाल बना रखा है, अंडे शंडे खाओ। मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ सर। तुम नहीं, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं कुछ और। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। मैं बिना कपड़ों के फेमस हुआ और अब कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। हाँ मतलब क्यों, कैसे? 5 साल पहले हम सबकी बैंड बजी, लेकिन मेरी तो भाई डबल पिटाई हो गई। पहले हल्क पिटा और फिर बैनर भी पिटा और फिर तो सारे के सारे पिटे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं भाई, सालों तक मैंने हल्क से नफरत की, जैसे वो कोई बीमारी हो, दर्द हो जो छूटता ही नहीं। फिर मुझे लगा कि हल्क मेरा दर्द नहीं दवा है। 18 महीने लैब में काम किया, बैनर का दिमाग और हल्क की बॉडी को एक किया, और अब देखो मेरी तरफ, मेरे दोनों हाथों में लड्डू। एक्सक्यूज मी मिस्टर हल्क जी, हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? हाँ हाँ, 1 क्या 10 ले लो। आ जा बेटा पास आ जा, पर शर्माओ नहीं, जरा खींच दो भाई। हाँ थैंक यू। खींचता हूँ। से ग्रीन। ग्रीन। कैसी लग रही? हाँ जी, एक फोटो मेरे साथ भी खिंचवा लो, मैं एंट मैन हूँ। ये लोग हल्क के फैंस हैं। ये एंटमैन को नहीं जानते। कौन जानता है एंटमैन को? कोई भी नहीं जानता। कौन खिंचवाएगा इस नए सुपर हीरो के साथ फोटो? तुम खिंचाओगे? देखो वो लड़का बोल भी रहा है कि उसको मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाना। मगर ये तो बच्चे हैं, पर तुम तो यार, मुझे इनके साथ फोटो खिंचवाने का कोशिश कर दो, नाराज मत। हां मैंने माफ किया। क्या रोए जा रहे हो, मैंने इनको मना किया। खिंचवा लो ना, अपना फोन पकड़ो और घर जाओ। थैंक यू मिस्टर हल्क। इसमें क्या है, फैंस हैं तो सेलेब्स हैं। डटे रहो ब्रूस। डैब ब्रूस, मम्मी की बात मानो, रोज दूध पियो। हम काम की बात कर रहे थे। ओ हाँ, तो तुम्हारी वो टाइम डकैती? यार सच कहूं तो ये क्वेश्चन मेरे कोर्स के बाहर है। क्यों, हल्क और बैनर भी तो एक हो गए। एक वक्त था जब ये सवाल भी कोर्स के बाहर का लगता था।